आज दार्जिलिङ स्थित नेपेन्द्र नारायण बंगाली हिन्दू हलमा मनाइने 109औं दुर्गा पूजाको राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कोलकाताबाट भर्चुअल उद्घाटन गरे। उक्त अवसरमा नेपेन्द्र नारायण हिन्दू बंगाली हल सचिव, दार्जिलिङ एसपी, जिल्लापाल दार्जिलिङ लगायत स्थानीय जनमानसको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। मैं डॉक्टर प्रताप गुहा, नृपेंद्र नारायण बंगाली हिंदू हॉल का सेक्रेटरी। आज हम लोग का नृपेंद्र नारायण हिंदू बंगाली हॉल का 109 साल का पूजा का उद्घाटन श्रद्धा ममता बनर्जी महाशय ने आज उद्घाटन किया है। कलकत्ता से वर्चुअली उद्घाटन किया है। अभी आप लोग ने देखे, अभी जस्ट 2 मिनट हुआ है, उद्घाटन अभी हुआ है। तो उद्घाटन में हम लोग का स्थानीय डीएम मैडम यहाँ अभी बैठी हुई है, हम लोग का एसपी साहब अभी यहाँ बैठी हुई है, यहाँ दार्जिलिंग का जितने भी बड़े हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटर लोग जो है, सभी लोग आज हम लोग का ये मंदिर में यहाँ हम लोग का बैठे हुए हैं। तो आज बहुत अच्छा तरह से हम लोग का ये मंदिर में आज ये एक 109 ईयर्स का ये दुर्गोत्सव हम लोग का आज इनोग्रेशन हुआ है। तो मैं मंदिर का तरफ से, मैं डॉक्टर प्रताप गुहा, सब दार्जिलिंग पहाड़ वासी को मैं निमंत्रण प्लस मंदिर का तरफ से मैं आमंत्रण जना रहा हूँ कि आप लोग ये इस बार का दुर्गा पूजा में हम लोग का मंदिर में आइए। एकदम इस बार भी हम लोग एकदम बहुत ही अच्छी तरह तरीका से इस बार हम लोग पूजा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, और इस बार भी हम लोग एकदम सप्तमी, अष्टमी, नवमी में इस बार भी हम लोग सब जितना भी हम लोग का पहाड़वासी है सबको बैठा के हम लोग यहाँ भोग वितरण करेंगे, बैठा के हम लोग भोग खिलाएंगे। और हम लोग का जो पूजा जो होता है बहुत बढ़िया पूजा होता है, आप लोग आइए आके एकदम। और इसके लिए पूजा में आके हम लोग का एक ही तो रिक्वेस्ट है, इस बार हम लोग ये जो हम लोग का जो नेबर सिक्किम और हम लोग का स्थानीय कालिम्पोंग में जो जो अभी जो नेचुरल डिजास्टर जो हुआ है, उसके लिए माँ का सामने आके आप लोग सभी लोग आके माँ के सामने आके सप्तमी, अष्टमी, नवमी, और विशेष करके ये जो हम लोग को संधि पूजा होता है, एकदम पावरफुल संधि पूजा होता है, इस पूजा में आके आप लोग उन लोग उन सब पहाड़वासी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। ये मेरा सबसे आप लोग का कहना है। धन्यवाद। जिला मैडम आज के कुष्ठ पूजा इनॉग्रेट कर 10 दार्जिलिंग हिल एरिया ते और 11 सिलीगुड़ी कमिश्नरेट एरिया ते, सिलीगुड़ी सब डिविशन है। तो हमरा आज के आमी एंड एसपी साहब इखाने छिलाम एनएनबीएच हॉले, सब बहुत भालो हुएछे। जिला के अंदर जो 10 पूजा उद्घाटन हुआ है, बाकी सिलीगुड़ी की पोर्शन मैम बोली है, तो बढ़िया से पूजा का उद्घाटन हो गया है। एंड आशा करते हैं कि शांति से आगे जब पूजा का पूरा पालन होगा। और सोचा के लिए बोर्ड अलॉटमेंट कैसा है पूजा के लिए? डिफरेंट डिफरेंट पंडाल को लेकर के जो उनका अलॉटमेंट रहता है, वैसे भी कि हर पंडाल कुछ कवर करते हैं, कुछ फोर्स देकर के हम, उसके अलावा पंडाल के वॉलंटियर जो होते हैं उनको बोलते हैं कि हमारे साथ में मिलकर साथ में काम करें, मतलब पूजा कमेटी को उन्होंने कम्युनिकेट किया हुआ ये चीज़। पूजा के अवसर में दार्जिलिंग को लोगों को कुछ शुभ संदेश देना चाहेंगे सर? बस शांति से पूजा मनाएं, आप लोग एंजॉय करें पूजा में, यही बोलना चाहेंगे आपको। अच्छा, टूरिस्ट इस बार काफ़ी आने का संभावना है सर, उसके लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स? टूरिस्ट संभावना आने का है, इसके लिए खास अरेंजमेंट ये है कि हम लोगों ने मैन पावर का डिप्लॉयमेंट जो है ट्रैफिक में ज़्यादा किया हुआ है, प्लान किया हुआ हम लोगों ने, उसको नए नए साइनेजेज एंड नया नया ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं वो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि जब पीक सीजन आएगा उसके आसपास हम लोग आपको दिखाएंगे। दार्जिलिङको दशैं पूजा सपिङ फेस्टिभल नेसनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल, भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रडक्टहरू जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, होम एप्लायन्सेस, किचनवेयर जस्ता सामानहरू, त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल, 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज, वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ। मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेशल एट्रेक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फ्रुट्स, समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म।